लोथफुल के इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको दिखाएंगे हमारे साथ नेचर में, जंगल में, लोथफुल में अपने टीम के साथ, इन भाइयों के साथ पूरा एक्सपीरियंस, पिकनिक का, यहाँ पे रहने का, सरवाइव करने का, हर एक चीज जंगल से जुगाड़ करके खाने का। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है एक्सपीरियंस और आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे जो सीन है लोथफुल का, विशेषता है जिसके लिए लोग दूर दूर से 200, 400, 500, 1000 किलोमीटर से भी आते हैं देखने के लिए। ऐसे इसे झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल नहीं कहा जाता है। क्या दोस्तों, सब एक्साइटेड हो ना? तो चले। तो गाइज, ये हमारे झारखंड का सबसे हिडन जेम बोला जाता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत प्लेस है, बहुत साफ सुथरा प्लेस है। मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया। तो हम लोग जो पिकनिक के लिए सामान लाए थे वो सब अलग जगह पे रखा गया है, नदी के पास में हम लोग वो खाना बनाएंगे और वहाँ पे ही सारा चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। बाकी जो सीन है, जो मेन सीन है जस्ट मेरे पीछे, तो आइए देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये जो खूबसूरती है, सुंदरता है, आपको झारखंड में, लोकल में आपको शायद दिखते होंगे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में बहुत जगह पे, लेकिन हमारे लोकल में तो जरूर आए और घूमे और जगह को साफ सुथरा रखने का कोशिश करें। लोथफुल, झारखंड के पठारों के गोद में बसा ये फॉल आपका मन और आपका दिल जीत ही लेगा। जरूर आए और घूम के जाए अपने फैमिली के साथ। गाइस, यहाँ पे जो नदी है, बहती हुई नदी और बीच जंगल में दोनों तरफ से पहाड़, मतलब नेचर में ये खूबसूरती जो बसा हुआ है बयां नहीं कर सकते। आप आंखों से आके देखें, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे फुटेज आपको देने का। तो आ गए हम लोग अपना कैंपिंग और अपना पिकनिक आज का सरवाइव करने, लकड़ी जंगल से उठाना और दतवन वगैरह जंगल से करना, मतलब जितने भी प्रोसेस है सब हमें यहीं से करना है। तो लड़के लोग उधर कर रहे हैं अपना काम। और ये हमारे टीम के जो देखिए बंदे लोग चश्मा पहन के मस्त खाना पकाने की तैयारी हो रहा है, गजब, नेक्स्ट लेवल। तो एक बार चाय सबके लिए बटवाते हैं, सबको चाय पिलवाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या हम बनाने वाले हैं और क्या खाने वाले हैं। और इस तरह से हमने लोथफुल में दतवन, चावल को नदी में धोना, वहीं पे नहाना और मस्तियां किया ढेर सारे, जैसे पागलों के जैसा। ये हमारा पत्ता, जो कि हम घर में कपड़े का साफी पकड़ते हैं, वो पत्ता से हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और ये देखिए, ऐसे हमने तेल डाल लिया, अभी इसमें ब्रेड ऑमलेट बनाएंगे। तो अगर आप भी मेरे जैसे गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा जंगल में कैसे खाना बनाना है, कैसे सर्वाइव करना है, चीज़ें कम होने के बावजूद भी कैसे निपटा के और अपने पिकनिक को सक्सेसफुल बनाना है। यही है जिंदगी। जब लोग के पास कुछ नहीं होता होगा तो ये जो हम लोग छोलनी यूज कर रहे हैं, इसको ऐसे लकड़ी होता है तो लकड़ी को ऐसे छील के उसके बाद छोलनी के रूप में यूज किया जाता है। बाकी लकड़ी से ही हर जगह खाना बनता है, अभी भी देहात में, हमारे भारत में ज्यादातर कोनों में ऐसे ही खाना बनता है। One hour later.
तुम्हारा चावल रेडी, और ये देखिए सैलेड के नाम पे प्याज और टमाटर, और सारे थाली में निकल गया हमारा चावल और चिकन बनकर रेडी है। तो यहाँ से शुरू होता है हमारे खाने की जर्नी, जिसमें है चावल, चिकन और सैलेड, मात्र प्याज और टमाटर। तो हम देहाती लोग ऐसे जंगल में आके पिकनिक मनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चावल और चिकन बनाते हैं, लड़कों में जनरली जो होता है। तो अगर आप ऐसे पिकनिक जंगल में जाते हैं और आप क्या बनाते हैं वो कमेंट करें, ताकि हमें पता चल सके और लोगों को पता चल सके कि क्या क्या आइटम्स और बनाया जा सकता है पिकनिक में। और इस तरह से हमने अपना पिकनिक लोथफॉल का जर्नी ख़त्म करके निकल दिए हैं सनसेट पॉइंट की ओर। उम्मीद करते हैं आप भी लोथ वाटरफॉल और नेत्राहट सनसेट सनराइज पॉइंट घूमे होंगे। अगर नहीं घूमे होंगे तो मेरे पाँच थर्ड का इंतज़ार करें। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, होली आ गया है, होली खेले, गुलाल खेले, मस्त इंजॉय करें, खाएं पिए, मौज काटे। हैप्पी होली।